कि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जनरल स्टोर की दुकान शुरू करने के लिए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जनरल स्टोर की दुकान किस जगह पे सबसे ज्यादा चलती है, जनरल स्टोर की दुकान में कितने प्रकार के सामान होते हैं, जनरल स्टोर की दुकान का सामान हमें कहाँ से लेना चाहिए, जनरल स्टोर की दुकान को आप कितने रुपए से शुरू कर सकते हो। इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो वीडियो को अब तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब वाले बटन पर क्लिक करके घंटी को जरूर दबा दीजिएगा। देखो भाई, जनरल स्टोर की दुकान शुरू करने के लिए आपको एक ऐसी जगह ढूंढनी है जहां से ज्यादा लोगों का आना जाना लगा रहता हो, जैसे कि किसी स्कूल कॉलेज के आसपास। आप अपने मोहल्ले से भी शुरू कर सकते हो, किसी मेन चौराहे पर, किसी बाजार वाले एरिया में। ऐसी जगहों पे अगर आप कोई भी दुकान किराए पर लेते हो तो आपको उसे 5 से 10 साल तक के एग्रीमेंट का करा करके किराए पर लेना है। जनरल स्टोर की दुकान में टोटल 3 अलग अलग तरह के सामान होते हैं, डेली नीड्स आइटम, कन्फेक्शनरी आइटम, तम्बाकू आइटम। डेली नीड्स आइटम वो होते हैं जो हर रोज, हर सुबह, हर शाम इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि दूध, चीनी, दाल, ब्रेड, अंडा, चाय पत्ती और भी कई सारे हैं। कन्फेक्शनरी आइटम वो होते हैं जैसे कि चिप्स, बिस्किट, नमकीन, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, च्युइंगम, चॉकलेट, टॉफी और भी कई सारे हैं। तंबाकू आइटम वो होते हैं जैसे कि पान मसाला, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, बाकी तो आप समझ ही सकते हो। दुकान शुरू करने के लिए आपको सामान इन 3 जगहों से लेना है, किसी भी प्रोडक्ट के डिस्ट्रीब्यूटर से, जैसे कि घड़ी साबुन का आपकी तरफ कोई ना कोई डिस्ट्रीब्यूटर होगा, और जितने भी ब्रांड के प्रोडक्ट हैं इन सभी को आप डिस्ट्रीब्यूटर से लेते हो तो आपको सही रेट में मिल जाएगा। अगर आप चाहते हो कि आपको अपने दुकान के लिए एक ही जगह पर सारा सामान मिल जाए तो आप होलसेलर से सामान ले सकते हो, लेकिन कुछ जो ब्रांड के प्रोडक्ट हैं जैसे कि नेस्ले, बिंगो, मोरेनो, हल्दीराम, 2M और भी कई सारे हैं, ये सारे सामान अगर आप फुटकर में लेते हो होलसेलर इसे थोड़ा महंगा करके दे सकता है, और अगर आप इन सभी सामान का पूरा गत्ता लेते हो तब भी आपको इसे अपने एरिया के डिस्ट्रीब्यूटर से ही लेना चाहिए। आप अपनी जनरल स्टोर की दुकान 30,000 से लेकर के 5 लाख के बीच में भी शुरू कर सकते हो। दुकान शुरू करने के बाद आपको इन 5 बातों का ध्यान रखना है। आपको उधार सामान ज्यादा नहीं देना है। दुकान शुरू करने के 5-6 महीने तक आपको कोशिश यही रखनी है कि आप सामान को 2 से 3 रुपए सस्ता करके ही बेचें, क्योंकि आपकी एक नई दुकान है तो आपको अपने दुकान में कस्टमर या ग्राहक का भरोसा जीतना है। आपको अपनी दुकान सुबह 5:30 बजे खोलनी है और रात के 10:30 बजे बंद करनी है। तो ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।